हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय चैनल नेम इज़ नमो व्लॉग. ये मेरा पार्ट टू है, कंटिन्यूएशन ऑफ माय ससुराल दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को. और ये पार्ट टू में अब हम देवता जी के मंदिर के बाद अब दूसरा वाला घर देखने जा रहे हैं, जो मंदिर के पास बनाया है पापा ने. उसको इसलिए बनाया गया है ताकि वो कभी भी मंदिर में कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर रह सके. ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला है. कहाँ पे? अच्छा, नागर जी है. अच्छा, ऊपर रहते हैं. हाँ, मंदिर के पास फ्रेंड्स जितने भी घर हैं वो बहुत पुराने हैं. कुछ मेंटेन है, कुछ नहीं मेंटेन किए गए हैं पुराने होने की वजह से. ये देखिए, ये पुराने टाइम की सीढ़ियाँ. मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है. ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल टाइप कमरा बना रखा है और यहाँ पे साथ में एक स्टोरेज भी है. ये उस टाइम के लिए है जब मंदिर में बहुत कोई फंक्शन होता है, रात को लेट हो जाते हैं तो घर नहीं जा सकते हैं. रली तो खैर बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, वो बहुत नीचे है. मेबर में भी जो दूसरा वाला घर है वो थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर हम स्टे कर सकते हैं. आपने क्या किया ये अभी? अरे माँ, क्या होने चाहिए थी? दारू? अच्छा, क्यूमशू जो बोल रहे थे नीचे, वो यहाँ पे तो नहीं है? पकड़ो तो. हाँ, मम्मी बोल रहे थे, मम्मी और लवली दीदी, कि आते नहीं है घर को. पर घर के लिए मना किया था. टोपी नहीं खोलते आप लोगों का. यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली मुझे. सबसे पहले ये दिखाती हूँ मैं आपको. ये धूपंग लगाने के लिए, धूपंग जो मेरे फ्रेंड्स नहीं समझते उनके लिए, जो हम धूप बत्ती करते हैं किन्नौरी स्टाइल में, उसको लगाने के लिए है. ये देखिए कितना प्रीटी है, इसमें धूपंग लगाया जाता है. और जब देवता जी के पास भी जाते हैं धूपंग लगाने, तो यही लेके जाते हैं. ये देखिए. फिर मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली थी, ये देखिए जो मैं पहन रही हूँ. हम हमारे ट्रेडिशन में बोलते हैं बांग बोले. ये ज़्यादातर हैवी स्नोफॉल होता है तब पहना जाता है इसको. और ये बनाए जाते हैं उससे बनते हैं ये बकरी के बाल से. उसमें पूरा आने रहते फ्रेम में. आप मोटे थे ना. कैसे यार, एक फोटो खींचो तो खड़े रहो. और बर्फ में ना अंदर नहीं दसते हैं, और ना ही ये बर्फ में गीले होते हैं. जो सॉफ्ट सॉफ्ट बर्फ नहीं होता, फ्रेश बर्फ उसमें होता है. और ये मैंने खुद सिला है आधा. तो आधा किसने सिला फिर? ये बैक साइड वाला निकालने नहीं आता. अच्छा. बांधना पड़ता है. ये मैंने तब लिया था जब मैं पुजारी था. अच्छा, क्योंकि पुजारी को इसी को पहन के अंदर बाहर जा सकता है, शुद्ध होता है. मतलब अच्छा, जो चीज होता है अच्छा, पुजारी इसको अंदर जाएगा बाहर आएगा, इसका कोई वो नहीं होगा. तीसरी था बंग बॉल. चलो, जब हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे तब हम जैसे पुराने घरों को देख रहे थे, और स्पेशली ये दरवाज़ा कितना ब्यूटीफुल लगता है. पुराना इंटीरियर कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है. ये अभी तक इस तरह से खड़े हैं, यही बहुत बड़ी बात है. उसके बाद हम इस घर को देखने आए यहाँ पे. तो ये घर जब हमने देखा तो ये कुकू के कोई फ्रेंड थे उनका था, और मैं इस घर के अंदर जाना चाहती थी बहुत बुरी तरह से, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये घर थोड़ा कच्चा है, हो सकता है गिर भी सकते थे यहाँ से. ये देखिए, ये यहाँ के पुराने घर. शहरों में हम ऐसी जगहों के लिए तरस जाते हैं, और यहाँ पे देखिए ये कितना ब्यूटीफुल है.
उफ यार, एक यहाँ भी स्कूल है। हाँ अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। कहाँ है खेत? ये दादी जी मिले थे हमें वापस जाते टाइम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ऊन सुखा रहे हैं अकेले ही बैठ के पेड़ के नीचे आराम से। ये जो फ्रेंड्स आपको लंबे लंबे से दिख रहे हैं, ये घास है जो सुखाने के लिए डाल रखी है। और ये मैंने भी पहली बार देखा है, क्योंकि कानम में इस तरह से नहीं डालते हैं घास को सुखाने के लिए, छतों पे डाल देते हैं। और ये देखिए जंगल देखिए इस गांव के, इतने अच्छे जंगल हैं। यहाँ देखो, यहाँ लाइट ठीक है, अब अंधेरा होते थोड़ा सा दूर करती हूँ तो अंधेरा हो जाता है इसमें। क्यों नहीं आ रहे हो? ये अब हम जब देवता जी के मंदिर दर्शन करके उसके बाद पूरा एक्सप्लोर करके उसके बाद हम जब वापस जा रहे थे, तो इस तरह का जो जंगल था वो मिला हमें देखने को। हमें तो क्या, कुकू ने तो पहले भी देख रखा है, मुझे एक फोटो तो बनता है यार। नहीं यार, इसके नीचे लेफ्ट साइड घुमाओ, लोगों ने बनाया है ना। हाँ दीदी जी नमस्ते, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा कौन कौन है यहाँ? और रैली से आ रहे हैं आंटी? आप भी रैली गए थे? अच्छा है, खेत में नहीं है काटने वाला घास? नहीं नहीं, ये रात को देने वाला है। अच्छा ओके दीदी, मेयर में ठंड हो गया है ना? ठीक है जी, खेत नहीं तोड़ना होगा ये भैया ने? नहीं नहीं, ऐसे लगना है ना, इसमें कटिंग ना स्प्रे ना खाद ना पानी कुछ नहीं। फिर भी दे रहा है वो तो? अच्छा सेम पौधा। हाँ नया पेड़ है। हाँ मतलब ओल्ड पेड़ है। हाँ। वहाँ से वहाँ से सूट निकला बाहर। अच्छा 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 अच्छा, न्यू वो क्या होते हैं उसको, पर इसे भी देखो नया सूट निकला। हाँ पेड़ है, बहुत ओल्ड है ये। अच्छा बहुत ओल्ड पेड़ है, लेकिन जो सूट निकले ना वो न्यू है। अब उसमें अब वो देखो, वो पेड़ पूरा खत्म हो गया। हाँ। सामने को पीछे से देखो एक सूट निकला है। हाँ। वो न्यू है, वैरायटी सेम रहेगा। हाँ हाँ मेरे खींच रहे हो? कामकाजी पति मेरे। घास खा क्यों नहीं रहा? बीमार तो नहीं है? ओए क्या हुआ? देख रहा है कौन आया है आज, मेहमान आए मेहमान। लाइट ऑफ करो, क्या है ये? घास ही है ना? खोला है नहीं तो जान। देखा? इसमें बम में दम, वीडियो में भी आएगा ये बम में दम।
बॉटल यहाँ रख दूँ। ये वीडियोस डालूंगे आपके दोस्त देखेंगे बोलेंगे लड़की को क्यों लेके आया था, फिर शादी करके काम खुद ही करना था तो लवली दीप तो मिस कर रहे थे, बोलते पहले तो बहुत खाना बनाता था अब तो आलसी हो गया है। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे हमने भैया वगैरह को बुला लिया था, ये सेब तोड़ने के लिए आए थे क्योंकि शादी की वजह से ऊपर मेवर में कुछ जगहों पे सेब छोड़ दिए थे, तो उसको अब यहाँ पे इनको बुला के कुकू को यहाँ पे बड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि इनको लग रहा था कि ये लोग ड्रॉप कर रहे हैं सेब, अगर ड्रॉप करते हैं तो उस पर निशान लग जाता है और वो निशान लगा हुआ सेब मार्केट में नहीं बिकता है इतने अच्छे रेट पर। फिर मैं और कुकू यहाँ से चले गए थे टमाटर लेने, ये थोड़े से नीचे है खेत जहाँ से हम ये टमाटर लेके आए, और यहाँ पे इस गांव की एक खासियत है कि यहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल्स है, आपका चुकंदर हो गया, आपकी गोभी हो गई, गाजर, मतलब आप जो भी नाम ले सकते हो वो ले लो और वो वेजिटेबल आपको इस गांव में मिल जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा टमाटर लगे हुए थे यहाँ पर जब हम लेने आए। ये था फ्रेंड्स मेरे ससुराल का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नमो व्लॉग। बाय।